होटल जा रहे हैं और बनी भी हमारे साथ जा रहा है। कल कहाँ जा रहे हो आप? हम कल बिजनौर जा रहे हैं। बिजनौर किरतपुर जा रहे हो ना? हाँ, मारुती की दोस्त है, पहले भी आई थी ये। और फिर दोबारा कब आओगे? दोबारा हम आएंगे जब हमारी छुट्टी पड़ेगी, तब आएंगे। कल सुबह 7 बजे ट्रेन है। अच्छा, हाय गाइस, हाय गाइस, इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय। हेलो दोस्तों, मैं सोनी जोशी स्वागत करती हूँ आप सबका। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अपने परिवार के साथ में बहुत अच्छे हैं। तो आज हम जो है ये छत पे आ रखे हैं अपनी। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम अपनी क्यारी में आ रखे हैं। तो हम आज जो है तोरी के बीज बो रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। तो गर्मियों में जो है हमको जो है तोरी लगा रहे हैं और तोरी के बीज बो रहे हैं हम। तो ये लगाएंगे तोरी के बीज। ये तोरी के बीज ले आए हैं और कागज़ में रखे हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे लगाओगे? ये यहाँ पे लगाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले हमने इसमें पालक लगा रखा था, वो निकाल दिया है और अब हम यहाँ पे जो है तोरी के बीज लगा रहे हैं। पता नहीं चल रहा ना तब कब लगा रहा है। फिलहाल में सेंटर बनाना तुमको। ये दाल में डालने काम आ जाएगा। भी एक दो होता तो है नहीं करेला वैसे। ठीक नहीं अब देखे जाना। तो भी जो है सुबह के टाइम पे तो मौसम जो है अच्छा हो रखा है, बाद में गर्मी हो जाती है, लेकिन सुबह सुबह का मौसम जो है बढ़िया है। तो हम छत पे ही जो है थोड़ी देर वॉक करने आते हैं। अभी मैं नीचे जाऊंगी थोड़ी देर में, तो खाना बनाऊंगी। अभी बच्चे भी सोए हुए हैं, फिर नीचे जाके सुबह का नाश्ता बनेगा। अभी हम छत पे आ रखें। पानी कितना टंकी में? अब ये जो है पानी निकाल रहे हैं अपनी टंकी से पौधों में अपने डालने के लिए। पौधों में पता नहीं चल पाएगा बाद में तुमने कहाँ पे बीज लगा रखे हैं। निशान मार रखे हैं ये। निशान मार रखे हैं, इसलिए यहाँ पे निशान मार रखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। कुछ दिन बाद तो बीज आ ही जाएंगे इसमें। चार पांच दिन में ना? हाँ, एक हफ्ते में आ जाने चाहिए। तो उसके लिए मैंने निशान मार दिया यहाँ पे, मैंने कहाँ कहाँ पे बीज लगाए हैं। लेमन ग्रास एक यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। सालों में इसमें खाद डालेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसमें भी उधर से भी थोड़ा बेल चढ़ जाएगी आपसे। हवा चल रही है। अब मैं जो है छत से नीचे आ गई हूँ और मैं अब सब्जी काट रही हूँ, सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू मटर और गोभी। ये चक्कू मिल गया देखो, जो खोया था वही रखा हुआ था। ये सब्जी मैंने काट दी है, दो बैंगन पड़े थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए, और ये टमाटर और मिर्च। और कढ़ाई में मैंने तेल डाल रखा है, इसमें लहसुन और जीरा डाला हुआ है। मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और नमक डाल दिया है, इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी। मैंने जो है सब्जी ढक के रख दी है और अब मैं आटा गूंद लेती हूँ। तब तक अभी टाइम जो है अभी 8:00 बजे।
ये धनिया डाल दूंगी इसमें, ऊपर से तोड़ के लाए थे अभी ये। तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। सब्जी चेक करती हूँ बनी कि नहीं बनी। अभी मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ क्योंकि इनको ज़्यादा सूखी सब्जी पसंद नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ। सब्जी में मैंने जो है धनिया डाल दिया है ऊपर से लेके आए थे, और सब्जी जो है बन चुकी है। आलू हो गए, अब मैं गैस बंद करती हूँ। और मैंने यहाँ पे तवा, अभी टाइम जो है 8:30 हो रहे हैं, और अब मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि हम सुबह चाय नहीं पीते, हम नाश्ते के साथ ही चाय पीते हैं। एक बार हमें आदत नहीं है सुबह चाय पीने की, सुबह हम गर्म पानी पीते हैं सुबह सुबह उठ के, और जब नाश्ते के साथ में हम चाय पीते हैं तो मैं चाय बना रही हूँ। यहाँ पे चाय का पानी रखती हूँ। इन्होंने नाश्ता कर लिया है क्योंकि इन्हें 9 बजे दुकान में जाना है नीचे, और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ अपना। और मारुति अभी सो ही रखा है, अभी उठेगा थोड़ी देर में, मैंने बना कर रख दिया इसके लिए। अभी 9 भी नहीं, अभी 9:45 बज रहे हैं और हम नाश्ता कर रहे हैं। मेरा सुबह का मैंने काम कर लिया है, झाड़ू पोछे वगैरह। अभी जो है दिन के खाने की तैयारी शुरू हो गई है, और दाल भात बन रहा है उसमें। मैंने मलका अरहर की दाल बनाई है, मिक्स दाल बनाते हैं हम ज़्यादातर। और मैं धनिया छांट रही हूँ यहाँ पे। और आज जो है ये सुबह की सब्जी बहुत बढ़िया बनी थी, मिक्स सब्जी। और आज रायता भी बनाऊंगी, दही जमा रखी है, मैंने दही जमाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बच्चे रायता मांगते हैं, तो अब शुरू कर दिया मैंने कल से दही जमाना जो है। कल जमाई थी मैंने, दाल में धनिया छाट के रख देती हूँ, काम आ जाएगा और भी सब्जी के लिए। खाना बन गया है, मैं खाना रख रही हूँ। ये मारती के लिए मैंने पहले ही निकाल दिया बिना धनिया का, क्योंकि फिर वो बोलता है कि मेरे उसमें धनिया क्यों डाला, और मेरे दाल में धनिया डाल दी। दाल में धनिया डाल दिया, फिर बोलते हैं बाकी बचा दिया मैंने धनिया। और ये रायता भी तैयार है, अभी वो नहीं हो रहा रायता ना, क्या कहते हैं, खट्टापन कम है उसमें, अभी फीका फीका सा है रायता, फीका फीका सा ही हो रहा है। ये मैंने जो है इनके लिए रख दिया खाना। मारती मारतू, ये खाना मारतू मारतू, ये खाना है लेकिन अभी गर्म है, ठीक है। आरती को जो है छाछ बहुत पसंद है, इसलिए मैंने दही जमाने शुरू कर दी है। और आरती छाछ पिएगा, अरे मेरे बागा है बागा, अब बागा के लिए छाछ बना रही मैं। खाना खा ले, तो सीखने के लिए तो किताब पढ़ना पड़ता है। मैं भी बचपन से ये खाना खा रहे हैं। ये है बनियान, महेंद्र कपूर जी, यंग इंडिया, जितने भी सिंगर्स बड़े बड़े रहे हैं उनको हमेशा और उनको सुन के ही आज मैं बचपन से जब मैं भी अपना खाना लेके आ गई हूँ कमरे में, और मारुति बाहर खा रहा बैठ के। टाइम जो है 2:10 हो रहे हैं, और
तुम दिन का खाना खा रहे हैं, ये भी खा रहे उधर बैठ के। माइक पकड़ के स्टेज पर गाते थे और थोड़ा थोड़ा सा जो जो इनके डांस स्टेप्स सही बनी है दाल। मिट्टी खाता रहता है। इसके पापा कह रहे थे जब तुम वहाँ जाओगे ना किरतपुर, मुझे फोन करके बता देना ये मिट्टी खाए तो मैं सीधे वहीं आ जाऊंगा। देखो आप भी मिट्टी खा रहे हैं वहाँ जाकर। ये बहुत मिट्टी खाता है। आपकी मम्मा खाना नहीं देती आपको? लिपस्टिक लगा रखी है मैंने। लिपस्टिक लगा रखी है आपने और आपकी मम्मा खाना नहीं देती। कल जब मैं अगली बार आऊंगी फिर आपसे मिलूंगी। बाय टाटा। मैं छत में आ रखी हूँ बच्चों के साथ में और देखो छत पे कितनी तेज हवा चल रही है और ये मारुति जो है ऊपर चढ़ रखा है, बहुत तेज हवा चल रही है छत पे। मौसम एकदम अच्छा हो रखा है, बढ़िया मौसम हो रखा है। ये नंदू जी है पीछे आ गई। अभी मैं छत से आई हूँ, बच्चों को लेके गई थी छत पे। तो आज मैंने शाम को चाय नहीं बनाई थी तो अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। अभी जो है 7 बज रहे हैं शाम के और ये मेरी चाय बन रही है। मारुति आप क्या कर रहे हो? फिर उल्टे काम करने लग गया है। एक ब्रेड बची हुई है, मैं इसको अपने लिए गर्म कर रही हूँ। मुझे थोड़ा भूख लग रही है तो मैं खाने के लिए इसे गर्म कर रही हूँ। और इधर मेरी चाय उबल रही है। इसमें मैं घी लगा रही हूँ। मेरी चाय बन चुकी है और मैं चाय और ब्रेड खा रही हूँ यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ और फिर मैं आपसे न्यू ब्लॉग में मिलूंगी। रुको, रुको। क्या हो गया मारती? आ जा। तो आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी न्यू ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर करें। बाय बाय कर दो। बाय धप्पा।